तीन महीनों में 100% का रिटर्न देने वाला क्या ये स्टॉक आगे और भी तेजी दिखाएगा? आइए आपको बताते हैं स्मार्टी बैगर स्टॉक की डिटेल। स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी कंपनी डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड ने निवेशकों को हैरत में डाल दिया है। डेटामेटिक्स के शेयरों ने पिछले 3 महीनों में 100% रिटर्न दिया है, फिर भी ये कुछ भी नहीं है क्योंकि पिछले 3 सालों में निवेशकों को इस शेयर ने 1100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 14 जून तक पिछले एक दशक में ये शेयर 26.50 रुपए से बढ़कर 590 रुपए पर पहुंच गया है। डेटामेटिक्स की चाल की इंडेक्स की चाल के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले 3 महीनों में लगभग 1% नीचे फिसला है, जबकि पिछले 3 साल में इसमें 100% की बढ़त देखने को मिली है। गौरतलब है कि इस समय भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर निराशा का माहौल है। बाजार जानकारों का कहना है कि ग्लोबल स्तर पर दिख रही तमाम चुनौतियां भारतीय आईटी कंपनियों के लिए परेशानी का कारण है, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए तमाम परेशानियों के बावजूद स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी कंपनी डेटामेटिक्स ग्लोबल ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया है। बता दें कि डेटामेटिक्स का मार्केट कैप करीब 3,500 करोड़ रुपए है। ये एक मुंबई स्थित टेक सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, पब्लिशिंग कंपनियों और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी डिजिटल ऑपरेशन, डिजिटल एक्सपीरियंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे 3 अहम सेक्टर्स में बिजनेस करती है। कंपनी का कारोबार पूरे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में फैला हुआ है। डेटामेटिक्स को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सेगमेंट में दूसरे से पहले कदम रखने का एडवांटेज हासिल है। HDFC सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी भारत में मुंबई मेट्रो और अमेरिका में एम्फेसिस एरिया ट्रांजिट जैसी कई मेगा रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्वचालित किराया वसूली प्रणाली विकसित करने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा समय के साथ कंपनी द्वारा किए गए टेकओवर्स ने इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को मजबूती दी है। डेटामेटिक्स ने पिछले 5 साल में 2 कंपनियों का टेकओवर किया है। HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी के डिजिटल ऑपरेशन सेगमेंट के वॉल्यूम में अगले 5 साल में जोरदार तेजी की उम्मीद है। गौरतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की कमाई में इस सेगमेंट का योगदान 43% था। भारत में कंपनी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी ने अपने सबसे ताजे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा कि उसके रेवेन्यू का 54% हिस्सा अमेरिका से आता है। चॉइस ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल प्रार का कहना है कि स्टॉक पहले ही 289 रुपए से 545 रुपए तक की तेजी दिखा चुका है। अगर ये स्टॉक 590 रुपए के स्तर को छू लेता है और एक हफ्ते तक इस स्तर पर टिका रहता है तो फिर ये स्टॉक 686 से 805 रुपए की रेंज में जाता दिख सकता है। उधर HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में ये स्टॉक 641 रुपए तक जाता दिख सकता है। HDFC सिक्योरिटीज का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में डेटामेटिक्स के रेवेन्यू में 16.5% और साल 2024 में 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।